हेलो गाइस, कैसे हो लोग। मैं मतलब क्रिश्चियन, हमारे टेलीविजन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज में से एक पैनासोनिक कंपनी की एलईडी टीवी है। आज इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे और क्या क्या फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, कितने प्राइस में आपको परचेस होगा और कितने प्राइस में आपको लेना है। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी, बस आपको हमारी वीडियो ध्यान से देखना है और स्टेप बाय स्टेप समझना है। अगर आपको मेरे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा समझा दूंगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब। इसके बगल में बेल के आइकन को कर दीजिए ऑन, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फाइनली गाइस, आ चुके हैं पास ये एक एलईडी टीवी जो कि पैनासोनिक कंपनी की है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये एलईडी टीवी रखी हुई है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ये कितने प्राइस में हमको परचेस होगी और इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो बताई जाएंगी, बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है और स्टेप बाई स्टेप समझना है। मैं इसका ऑनलाइन भी लिंक देने की कोशिश करूँगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पैनासोनिक की ब्रांडिंग लगी हुई है और इसका बॉक्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी से हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आप देखते हैं हमको इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं और इसमें क्या क्या हमको फीचर्स मिलते हैं, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए गाइस इसका साइज देख लेते हैं कि हमको कितने साइज की एलईडी टीवी मिल जाती है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 32 इंच लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमको 32 इंच की एलईडी टीवी मिल जाती है 80 सेंटीमीटर की। ठीक है, 80 सेंटीमीटर 32 इंच की। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इसके प्राइस के बारे में बताएंगे कि आपको कितने प्राइस में परचेस होगी। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ और फीचर्स देख लेते हैं। तो ये हमारे बॉक्स के दूसरी तरफ का इंटरफेस है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसके सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। आपको इसमें एक साल की वारंटी मिल जाती है और इसका वेटिंग है 4 kg, मतलब 4 किलो की हमारी एलईडी टीवी है। तो और यहाँ पर इसका वोल्टेज लिखा हुआ है 110 वोल्टेज से 240 वोल्टेज तक आप इसको चला सकते हैं और ये हमारी 50 वाट की एलईडी टीवी है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो है प्राइस भी लिखा हुआ है, जिसके आप देख रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं कि इसका प्राइस यहाँ पर कितना लिखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका प्राइस यहाँ पर 15,590 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमारी एलईडी टीवी ऐसी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कितने प्राइस में परचेस हुई, आपको कितने प्राइस में ये लेना है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारी एलईडी टीवी अनबॉक्सिंग हो चुकी है। तो चलिए इसमें देखते हैं हमको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं और आपको इस बजट में ये एलईडी टीवी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो हमको इसमें एक पैकेट मिला था जो कि इसमें आप लोग देख सकते हैं कुछ मैनुअल कार्ड हैं और इसका स्टैंड रखा हुआ। तो चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमको टेबल पे रखने वाला स्टैंड मिल जाता है। ठीक है, जिसके आप लोग देख रहे हैं एक स्टैंड और हमारे इसमें रखा हुआ है। ठीक है, तो हमको दो जो है टेबल पे रखने वाले स्टैंड है इसके अगल बगल लगेंगे और इसमें कुछ हमको मैनुअल कार्ड मिल जाते हैं जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं और इसके फीचर्स के बारे में समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो हम इसको रख देते हैं और ये हमको इसमें एक वारंटी कार्ड मिल जाता है जो कि इसमें अभी कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, इसमें यहाँ पर नाम लिखा जाता है और इसमें आपको एक साल की वारंटी मिल जाती है। ठीक है, तो इसको हम अलग रख देते हैं और देखते हैं हमको इसके अंदर क्या मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी ये हमको मिल जाता है दीवार में लगाने वाला स्टैंड जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिस्टम है। हमको किसी भी एलईडी टीवी के साथ दीवार में लगाने वाला स्टैंड नहीं मिलता है। अभी मैंने जल्दी एक एमआई टीवी अनबॉक्सिंग की, उसमें हमको दीवार में लगाने वाला स्टैंड नहीं मिला और ये हमको कुछ नेट बोल्ट मिल जाते हैं जो कि स्टैंड में लगाने के लिए यूज होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं और हमको एक इनपुट लीड मिल जाती है जो एवी के लिए हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसको लगा देंगे अपने एलईडी टीवी में और इसको एवी के लिए यूज करेंगे। आप डिश छतरी के लिए इसको यूज कर सकते हैं और हमको इसमें एक रिमोट मिल जाता है जो कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हमारा रिमोट है। ठीक है, तो चलिए इसके एलईडी टीवी के बारे में कुछ और फीचर्स जान लेते हैं कि हमको इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। चलिए इसके बैक पैनल पर देखते हैं हमको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे बैक पैनल पर आप लोग देख सकते हैं ये बैक पैनल का इंटरफेस आपको मिल जाता है ऐसा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ जो आपको चार चेन दिख रहे हैं इसमें हमारा दीवार में लगाने वाला स्टैंड लगेगा, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा हुआ है और 110 से 240 वोल्ट तक आप इसको चला सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप लोग देख सकते हैं कि हमारी 50 वाट की एलईडी टीवी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आपको जो जो चार चेन दिख रहे हैं इसमें आप
आपको दीवार में लगाने वाला स्टैंड लगाना है और इसको दीवार में लगा देना है, ठीक है। तो चलिए इसके और फीचर्स के बारे में जानते हैं कि हमको इसमें और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमको इसमें डबल USB का ऑप्शन दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो ऊपर हमको डबल USB का ऑप्शन दे दिया जाता है और जो PC का भी ऑप्शन दिया जाता है, आप इसमें लैपटॉप PC जो है कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। तो आपको इसमें डबल HDMI का भी ऑप्शन दे दिया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर्स है। आप इसमें HDMI के केबल लगाकर आप इसको फुल HD में देख सकते हैं और अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और आपको नीचे जो AV का भी ऑप्शन दे दिया जाता है, आप इसमें AV वाली लीड लगा के सेटअप बॉक्स में लगा सकते हैं और अच्छे से अपना डिश छतरी देख सकते हैं, अपने चैनल देख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपको ये लीड मिल जाती है आपको इसी में लगाना है, ये लीड इसमें लगाना है और उसके बाद जो हमको सेटअप बॉक्स के साथ लीड मिलती है आप उसको लगा देंगे, बस ये अच्छे से ऑन हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से हम अपने दीवार में लगाते हैं और आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं कि हमारी LED TV ये कैसी है। और आप लोग देख सकते हैं कि इसको हमको 4-स्टार रेटिंग मिली गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा इसको अच्छा माना गया है और काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड हमारी LED TV है। तो चलिए इसको जल्दी से दीवार में लगाते हैं और इसको ऑन करके आप लोग दिखाते हैं कि हमारी LED TV कैसी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको अपने दीवार में लगा दिया है और आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से ऑन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमारी LED TV कैसे चलती है। तो हमारी LED TV ऑन हो चुकी है और ये AV के मोड पे मैंने इसको लगा दिया है और आप लोग देख सकते हैं कि हमारी LED TV चल रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी से चल रही है। तो आप इसको ले सकते हैं। चलिए मैं इसका प्राइस भी बता देता हूँ। तो ये मुझे 13,999 रुपये में परचेस हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइस इसका है। और फ्रेंड्स आप इसको ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब आने में बहुत अमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।